नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप लोग देख रहे हैं हिजा टेक। आज हम सेल्फिश स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। सेल्फिश स्टेटमेंट आप इफ एल्स स्टेटमेंट के वक्त नॉट वक्त लेकिन उसके जगह पे यूज कर सकते हो। जैसे कुछ लंबा इफ एल्स यूज करना है तो उसके उस टाइम पर यूज कर सकते हो। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ CLS एंड उसके बाद हम इनपुट करते हैं इनपुट और नंबर एंड उसके बाद सेलेक्ट केस एन। केस क्या है? इफ केस जीरो है तो प्रिंट न्यूट्रल, इफ केस मोर देन वन, मोर देन जीरो नॉट वन। मोर देन जीरो प्रिंट पॉजिटिव नंबर, ठीक है। केस इज लेस देन जीरो देन प्रिंट नेगेटिव सेलेक्ट। तो इसे हम रन कर देते हैं। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर नंबर मांग रहा है, तो ठीक है लेट इट बी जीरो, तो न्यूट्रल हो गया। इफ मैंने टू दिया तो पॉजिटिव हो गया, ऐसे अगर मैंने माइनस फाइव दिया तो नेगेटिव हो गया। तो ऐसे ये काम करता है, ठीक है। और इसका बेसिक मैं यहाँ पर सिंटैक्स दे देता हूँ। सेलेक्ट केस, केस के बाद यहाँ पर एक्सप्रेशन यहाँ पर एरर शो ही करेगा क्योंकि मैंने अभी तक कुछ डाला नहीं है। केस कंडीशन वन, उसके बाद स्टेट, यहाँ पर हम स्टेटमेंट देंगे वन, उसके बाद फिर से केस, यहाँ पर कंडीशन टू, स्टेटमेंट टू। हम ऐसे ही करते जाएंगे, करते जाना है, ऐसे ही चलता रहेगा ये। और लास्ट में जब सारा केस ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद एंड सेलेक्ट कर देना है। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, लेकिन आप लोगों को वहाँ पर ये जो एंगल ब्रैकेट है वो नहीं मिलेगा। उसके जगह पर एक और एक्स्ट्रा ब्रैकेट डाल दिया है। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लूपिंग पढ़ेंगे। थैंक यू।